आज हम संस्कृत का कक्षा 7 इसका प्रथम पाठ है सुभाषित आनी का सेकेंड वाला वीडियो देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको श्लोक समझाए थे। अब यहाँ पर देखिए, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्री च न सद्भिः किंचिद आचरेत। सद्भिः यानी सज्जन, एव नहीं तो सज्जन लोगों से ही साहसी तेने उनके साथ उठना बैठना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। सद्भिः यानी सज्जन लोगों से ही कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति सज्जन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ ही हमारी संगति होनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्री च, और सज्जन लोगों के साथ हम दोस्ती भी कर सकते हैं और झगड़ा भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला विवाद यानी झगड़ा, ऐसा क्यों बोला कि हम विवाद कर सकते हैं झगड़ा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनसे यदि हम झगड़ा करते हैं तो उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। च ना सद्भिः किंचित आचरेत, यहाँ पे इसको अलग अलग आप पढ़ सकते हैं, किंचित यानी थोड़ा सा भी, आचरेत यानी व्यवहार, ना सद्भिः असज्जन लोगों के साथ जिसको बुरी आदतें हो ऐसे लोगों के साथ हमको थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। क्यों? यदि हम बुरे लोगों के साथ अच्छा भी करेंगे तो वह उनके दिमाग में जो विचार है, जो बुरे विचार है, उसी तरह से सोचेंगे और हमारा अच्छा किया हुआ भी कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि हमें सज्जन लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों से विवाद भी कर सकते हैं और उनसे मैत्री तो करनी ही है, और जो असज्जन है जिनकी आदतें बुरी है उनसे हमें थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन यानी पैसा, धान्य अनाज प्रयोगेशु यानी इसके प्रयोग करने में, और धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया विद्या के संग्रह में, हमारे नॉलेज के ज्ञान के संग्रह में, आहारे भोजन में, व्यवहारे हमारे व्यवहार में, च त्यक्त लज्ज जो लज्जा को छोड़ देता है, जो लज्जा नहीं करता है, सुखी भवेत वही सुखी रहता है। अब ऐसा क्यों बोला है कि लज्जा को छोड़ देना है? हम यदि शर्म करके अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए अच्छे से हम भोजन नहीं करेंगे, अपना व्यवहार अच्छे से दिखाएंगे नहीं, अपने लिए हम विद्या का संग्रह नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी प्रगति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि धन के प्रयोग में, धान्य के प्रयोग में, अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार अपने भोजन में, व्यवहार में, जो भी लज्जा को छोड़ देता है वही व्यक्ति सुखी होता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृते लोके मतलब क्षमा को एक ऐसा मंत्र बताया गया है कि जो पूरी दुनिया के लोगों को वश में कर सकता है। यदि आपके पास क्षमा है, आप दूसरों को किसी भी गलती के लिए क्षमा कर देते हैं तो आप उस व्यक्ति को या उस लोग को अपने वश में कर लेते हैं। और क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा करने से कौन सा काम हम नहीं साध सकते या हम नहीं कर सकते? क्षमा करने से बड़ी मुसीबत में हम कोई भी काम को क्या कर सकते हैं? साध सकते हैं या उस समस्या को हल कर सकते हैं। शांति खड़गह, शांति यानी शांति रूपी मौन रूपी, खड़गह यानी तलवार, करे करे यानी हाथ में, जिसके पास शांति रूपी, जो अपने व्यवहार में अपने आचरण में शांत रहता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, यस्य यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। यदि कोई आकर हमको बुरा बुरा बोल रहा है लेकिन हम उसका सुन रहे हैं और चुपचाप रह रहे हैं, बाद में हम अच्छे से समझा सकते हैं, तो उसके लिए ऐसे करने पर दुष्ट हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप उसको इस प्रकार लिखेंगे, क्षमा जो है
वशीकरण मंत्र है, क्षमा से हम सारे काम साध सकते हैं, और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संस्कृत कक्षा 7 का प्रथम पाठ है सुभाषितानी का अभ्यास, इसके मैं आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। देखिए बेटा, जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ने में हमको कुछ श्लोक याद आ जाते हैं, कुछ के अर्थ समझ में आते हैं, तो आप श्लोक को पढ़ोगे तो आपको प्रश्न उत्तर वैसे ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना आना चाहिए और उसको कैसे लिखना ये समझ में आना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीव्याम कति रत्नानि। अब यहाँ पर कति का अर्थ है कितने, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो ये सबसे पहले श्लोक में बताया गया था कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, पर हिंदी यहाँ पर हम संस्कृत में लिखेंगे त्रीणी, यहाँ पर संस्कृत में क्या लिखेंगे त्रीणी, पृथ्वीव्याम त्रीणी रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगति कुर्वीत, हमें किसकी, कई है ना किसकी संगति करनी चाहिए, तो किसकी संगति करनी चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की। अब अच्छे लोग यानी सज्जन, सज्जन को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सद्भी, क्या बोलते हैं सद्भी, हमें किसकी संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों की, सद्भी, तो सद्भी ही संगति कुर्वीत। अगला प्रश्न है, लोके वशीकृते का, लोगों को वश में करने का क्या है, कैसे हम लोगों को वश में कर सकते हैं, तो क्षमा, क्षमा लोके वशीकृते। पृथ्वीव्याम त्रीणी रत्नानि कानि, अब यहाँ पर आया कति रत्नानि, कितने रत्न पूछे, और जब आपने आंसर दे दिया, उत्तर दे दिया उसका, तो इस क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो पृथ्वी पर 3 रत्न, पृथ्वीव्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पानी अन्न और सुंदर विचार, ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब एक और प्रश्न है जिसमें कि पद दिए हुए हैं और उसकी धातु हमको बतानी है, करोति, करोति इसमें ती जो है प्रत्यय लगा हुआ है, पर इसकी धातु क्या है क्र, इसमें कर धातु नहीं आएगी, इसकी धातु क्या है क्र। पश्य, पश्य यानी देखना होता है, तो इसकी धातु पश्य भी है, और दृश्य, दृश्य भी धातु होती है और पश्य भी होती है। भवेत, भवेत यानी होता है, तो इसकी धातु होती है भव या भू, भव या भू। तिष्ठति, तिष्ठति धातु यानी बैठना, स्था है या फिर तिष्ठ यानी बैठा। तो बेटा अभ्यास में और भी दूसरे प्रश्न हैं जो कि बहुत इजी है, जिसमें स्त्रीलिंग पूछा हुआ है, प्रश्न के प्रश्न वर्ड पूछा हुआ है, तो आपको प्रश्न को देखते हुए वहाँ पर आप लिख सक देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, कहाँ कति, कहाँ क, कहाँ का, पुल्लिंग में कह होता है, स्त्रीलिंग में का होता है, और किसके द्वारा के लिए कैन होता है, तो ये सब आप कर सकते हैं, आपको बस इसका थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। तो इस तरह अपना एक प्रथम पाठ सुभाषितानी यहाँ पर समाप्त होता है।